नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का, और BEML ICF जो 10 स्लीपर वंदे भारत का इनको एडिशनल ऑर्डर मिला हुआ है, उसमें से पहले रेक के कुछ कोचेस को सीधा अश्विनी वैष्णव जी ने दिखाया था किस तरीके से ये कोचेस डिजाइन हो रहे हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर हम देख चुके हैं। 20 सितंबर के आसपास इस ट्रेन को निकलना था बेंगलुरु फैसिलिटी से BEML की, लेकिन वो डेट निकल चुकी है। अब हो क्या रहा है देखिए। मैंने अभी तक कोई ऐसी फुटेज या वीडियो नहीं देखी जो वहां से आई हो। ट्रेन निकलती है बाहर तो काफी लोग देखते हैं, कैप्चर करते हैं, ऐसी कोई वीडियो बाहर नहीं आई है। तो ट्रेन जहां तक मुझे लगता है अभी भी BEML में ही है और अभी तक उसका बाहर आना नहीं हुआ है। तो इसमें मेरे को कुछ पॉसिबल लगते हैं चांसेस कि हो सकता है इसलिए बाहर ना आई हो, कुछ डिले इसलिए भी आए हों कि बर्लिन में चल रहा है इनो ट्रांस इवेंट, जो कि रॉलिंग स्टॉक के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता है। यहाँ पर BEML ने भी अपनी प्रदर्शनी लगाई है और दिखाया है किस तरीके से वो क्या क्या काम कर रहे हैं काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में। तो वहाँ पर अभी सारे के सारे ऑफिशियल्स जो हैं BEML के वो बिजी भी हैं, तो हो सकता है कि वे जब तक अपनी टीम को लेकर के इंडिया आएंगे उसके बाद ही ये ट्रेन ये निकले यहाँ से, क्योंकि इंस्पेक्शन तो होते ही हैं। जब भी फाइनली ट्रेन निकलती है तो फाइनल इंस्पेक्शन के लिए बड़े बड़े ऑफिशियल्स का होना ज़रूरी है BEML के, और CMD शांतनु जी भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो भी बर्लिन ही गए हुए हैं। तो जब वो यहाँ मौजूद होंगे हो सकता है उन्हीं के सामने इस ट्रेन का निकलना होगा। ये देखिए, मैंने अपने एंड से एक कयास लगाया कि ऐसा हो सकता है, बाकी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो जो भी जानकारी मुझे इस ट्रेन के बारे में मिलती रहेगी आप लोगों को जल्द से जल्द देता रहूंगा। अब देखिए दोस्तों, जो ओरिजिनल ऑर्डर है 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का, जिसमें एक बड़ा ऑर्डर जो है वो रशियन TMH और RVNL की काइनेट रेलवे सॉल्यूशन को मिला हुआ है, जो अब 120 की जगह 80 ट्रेन बनाएंगे, ऑर्डर में चेंज आया है। और BHL और TRS इन कंपनियों को मिला है 80 ट्रेन बनाने का जो ऑर्डर, वो अब 53 ट्रेन बनाएंगे। तो टोटल 133 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनेंगी, जिसमें 3192 कोचेस का यूज होगा। पहले 3200 कोच बनने थे, तो थोड़े से 8 कोच की कमी आई है। तो 24 कोच की वंदे भारत ट्रेन बनाने का भारतीय रेलवे ने ऑर्डर दे दिया है, और पहले 16 कोच की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बन रही थी। तो दोस्तों, ऐसे में अभी कुछ चीज़ें बाहर आई हैं, आर्टिकल्स आपने पढ़े भी होंगे, बीच में न्यूज़ अभी चली है लगातार कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का प्रोजेक्ट लाइकली लेट हो सकता है। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे कुछ बातें भी आई हैं। देखिए, भारतीय रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इन L1 एंड L2 बिडर के साथ में इन 133 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का, अब इसमें उनके पास पूरा राइट है भारतीय रेलवे के पास कि वो इस ऑर्डर में चेंजेस अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं। पहले 120 करोड़ रुपए में एक ट्रेन बनाने का ऑर्डर एक तरह से यहाँ पर मिल गया था इन दोनों ही बिडर को, इतने ही पैसों में बनानी थी वंदे भारत स्लीपर। तो ऐसे में 35 साल की मेंटेनेंस भी ये प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल थी, लगभग 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर रहा है। इसमें अब 24 कोच की अगर वंदे भारत स्लीपर बनाने का जब निर्देश दे दिए हैं भारतीय रेलवे ने इन दोनों ही L1 L2 बिडर को, तो जैसे कि मुझे पहले से लग रहा था कि लेंथ को लेकर के कुछ ना कुछ बातचीत होगी, तो अब वही चल रही है दोस्तों। जी हाँ, रेलवे ने कहा है कि हमको कॉस्ट में कोई भी इंक्रीज नहीं चाहिए, इसी कॉस्ट में आप लोगों को ये ट्रेन बनानी है। लेंथ इंक्रीज हो गई है क्योंकि 24 कोच की बनेगी, लेकिन हाँ, नंबर ऑफ ट्रेन्स जो बनानी थी उनको डिक्रीज कर दिया है भारतीय रेलवे ने, इसलिए कॉस्ट तो सेम रहनी चाहिए। लेकिन भारतीय रेलवे के ऑफिशियल्स अभी भी डिजाइनिंग फेज में बातचीत में हैं इन दोनों ही बिडर्स के साथ में। अब इसमें क्योंकि क्या है कि अब काम शुरू होना है, डिजाइनिंग अब दोबारा से होनी चाहिए इस ट्रेन की, इस पर बात चल रही है। क्योंकि अब 24 कोच के हिसाब से लेंथ कैसी होगी, किस तरीके से डिजाइनिंग में थोड़ा चेंज आएगा, और जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि हमारे रेलवे स्टेशन क्या 24 कोच के लिए सही हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लंबे रेलवे स्टेशन सभी नहीं होते हैं, कुछ कुछ ही होते हैं जहाँ पर 24 कोच की ट्रेन आ पाती है। तो हो सकता है कि लेंथ को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाए, लेकिन कोच 24 कर दिए जाएँ, तो ऐसे भी कुछ चेंजेस शायद हो सकते हैं इस ट्रेन में। तो काफ़ी चीज़ें अभी डिजाइनिंग में दोबारा से होंगी, तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन में देरी हो सकती है, ये कुछ आर्टिकल्स जो अभी आए हैं सामने कह रहे हैं। तो हाँ, ये हो सकता है दोस्तों, मुझे भी लगता है डिज़ाइनिंग को लेकर के दोबारा काम होगा। तो कोई भी जानकारी दोबारा से मुझे इस ट्रेन के बारे में मिलती है, डिज़ाइनिंग फेज़ की मिलती है, प्रोडक्शन की मिलती है, आप लोगों को जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।